धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है। गेस्ट हाउस में पुलिस यूनिफॉर्म बिल्कुल अलाउड नहीं है। सॉरी मैडम, पुलिस यूनिफॉर्म हर जगह अलाउड है। किसने कहा? कानून कहता है। क्योंकि कौन सा महीना है? आपके हाथ का खाना खाया है ना मैंने। खाने से पेट फूला है। चल। ये क्या है? ये बता, तेरे बच्चे के लिए ये? जी साहब। फिर ले जा। धन्यवाद साहब। बेवकूफ चोर। पुलिस वाले के घर में चोर। सॉरी मैडम, जज के घर पे चोर। वाह 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 वाह, अरे ये कैसे? रुको 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 जरा, ये काली वाली, ये देखो। ओह, अब आप देखिए इसको और इसको मैं कैसे निकालती हूँ, देखो। सॉरी, हाँ एक मिनट, फोन आया। थैंक यू गॉड, थैंक यू। हेलो, हाँ कौन? हे, हाय संध्या, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, बिजी हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। ओके ओके ओके, रेडी 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 रेडी। ये कैसे हो गया? ये तो यहाँ थी, यहाँ कैसे आ गई? चीटिंग की ना? चीटिंग? हाँ, मैं क्यों चीटिंग करूंगा? चश्मा लगाओ पहले, तब साफ दिखेगा। चश्मा लगा के क्या होगा? अब देखो रेड कहाँ है, इधर है, ये यहाँ। चीटर? चीटर नहीं हूँ मैं। स्ट्राइकर होल में गया, माइनस पॉइंट। जस्ट सही बात, इंसाफ मुझे ही मिला। राजू, कल सुबह जल्दी आ जाना। जी सर। Thank you.
बाथरूम में बर्थडे कौन सेलिब्रेट करता है यार? छे, क्या कर रहे हो तुम लोग? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ विजय? दूध वाला धिक्चका ले लो दूध वाला आया। और देखो 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 मैं हूँ दूध वाला, ले लो दूध दूध ले लो। आज पानी कम दूध ज्यादा है, बुरा मत मानना दूध वाला आया। अरे दूध ले लो दूध ले लो दूध वाला आया। अरे आज पानी कम है तो क्या हुआ, कल फिर से डाल दूंगा। मैंने नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा। अरे मैंने कुछ नहीं देखा। अरे चल चल भाग ले भाई। अरे हेलो। hey, पागल हो गया क्या? कब से कॉल कर रहा हूँ सर। सर एसपी सर का मर्डर हो गया है, वहाँ पहुँचो जल्दी। क्या ये क्या कह रहे हैं सर? पूछिए, अपने सवाल पूछिए। सर ये मर्डर कब हुआ, कैसे हुआ, किसी पर डाउट है क्या आपको? अभी तक आपने किसी को अरेस्ट किया? नक्सलियों ने तो नहीं मारा इन्हें? मेरे सवालों का अभी तक जवाब नहीं दिया आपने। जो भी आपके मन में आया, जैसे ये पूछना आपका काम है, वैसे ही जितना जरूरी है बस उतना ही बता पाना, ये हमारा काम है, समझिए। मतलब पब्लिक को डिटेल नहीं बताएंगे आप? डिटेल्स तो बस चाहिए सिर्फ आप लोगों को, पब्लिक को तो सिर्फ कातिल का नाम चाहिए। आपने अभी तक किसी को अरेस्ट किया है? नहीं। क्या आपको किसी पर शक है सर? बिल्कुल नहीं। इस केस में क्या प्रोग्रेस हुई है सर? अरे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए 2 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो इतनी जल्दी प्रोग्रेस कैसे हो जाएगी? वैसे ये मर्डर किस टाइम पर हुआ है सर? मिडनाइट।
ये मर्डर आधी रात के बाद हुआ है। सर आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी थी? दूध वाले ने। जब एसपी ही सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान कैसे होगा? आम इंसान की बात अलग है और इनकी बात अलग। क्या ये मर्डर किसी पर्सनल वजह से हुआ है? सॉरी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सर आपने अभी तक हमें इस केस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। मतलब आपके सनसनीखेज न्यूज के लिए मैं आपको इस केस के डिटेल्स बता दूं? नो, नॉट पॉसिबल। सॉरी, तुरंत को कंट्रोल करो। सर, केस के बारे में आप कुछ भी नहीं बता रहे हैं। आप नहीं बताएंगे तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा? सर प्लीज जवाब दीजिए। सर कहाँ थे तुम? पागल हो गए हो क्या तुम? सॉरी सर, एक घंटे से फोन कर रहा था, कॉल क्यों नहीं उठाया तुमने? सर वो पड़ोस में घर है, फिर भी आने में इतना लेट? आधा घंटा और लेट हो जाते तो डेड बॉडी लेकर यहाँ से चले जाते। ये खून तुम्हारी एरिया में हुआ है, वो भी एसपी का, और इतना बड़ा इशू हो गया है फिर भी तुम प्रेस वालों से पहले नहीं आ सकते? इन प्रेस वालों के घटिया सवालों का मैं यहाँ खड़े होकर जवाब देता रहूं, यही काम रह गया मुझे? ये सिर्फ तुम्हारा काम है, समझ गए तुम? सर नो, इट्स नॉट गुड। अब मेरी वाइफ का फोन आ रहा है, हम मुसीबत में फंस जाएंगे। इस केस में हम पर ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा। मर्डर अपने एरिया में हुआ है और वो भी अपने हायर ऑफिसर का हुआ है। सबसे बड़ी बात, मर्डर के वक्त हम पड़ोस के घर में ही थे। Yes, इस केस के बारे में इससे ज्यादा तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। सर आओ हुसैन, ये अपने PSI हैं। हेलो, इस केस में तुमको असिस्ट करेंगे। सिंसियर और एफिशिएंट ऑफिसर है। जितना मुझे तुम पर विश्वास है, इस पर भी उतना ही विश्वास है। जो भी केस तुम डील कर रहे हो उसे छोड़ दो, सबसे पहले इस केस के कातिल को पकड़ो। ओके? यस सर। ओके सर। ओके सर। हाँ सर, हाँ हाँ, ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। उन्होंने क्या कहा तुम लोगों को पता है? लेडीज खड़ी है, जाने दो, बाद में बताऊंगा। अगर चाहते हो कि मेरी तरह तुम लोगों का हाल ना हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर खूनी को पकड़ना पड़ेगा, समझ गए तुम लोग? yes, चलो सर, यह हादसा वहां पर हुआ है सर। यहां से गिरकर मरने का कोई चांस है क्या? बिल्कुल नहीं है सर। तो फिर मौत कैसे हुई होगी? शायद आपने नीचे बॉडी नहीं देखी सर, उनको पहले चाकू से मारा गया फिर यहां से नीचे फेंक दिया। तो वो चाकू कहां है? सुबह से हम सब उस चाकू को ही ढूंढ रहे हैं सर, अभी तक मिला नहीं। सर की वाइफ नीचे हॉल में बैठी हैं, आप चल के बात कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। लेट्स गो। ओके सर। Happy birthday, dear wife, प्यारी। Happy birthday, dear judge, प्यारी। आपके लिए कुछ खास बनाया है मैंने। खा के बताओ कैसा बना है? Please taste it। खाना तो पड़ेगा। हाँ। आपने जो बनाया है। बिल्कुल। Okay, खा के देखते हैं कैसा है। कैसा लगा? Very good, बहुत बढ़िया। मुझे भी दो। आपको भी चाहिए? तुम्हारे साथ तो खाना ही पड़ेगा। ठीक है, लीजिए। थैंक यू।
to you. कितना तीखा है, कैसे खाया तुमने? अब आपने प्यार से बनाया है, मुंह तो सिलना पड़ेगा ना. अच्छा पानी पी लीजिए. थैंक यू थैंक यू. इसे रहने दो, होटल में चलते हैं. वहीं जा पहले गए थे. गुड मॉर्निंग मैडम. मैडम, इस मर्डर के बारे में आपको कुछ पता है? नहीं. उनसे किसी की दुश्मनी थी? नहीं. किसी पे कोई शक है आपको? नहीं. थ्रेट कॉल्स आई हो, या किसी अनजान आदमी को घर में देखा हो, या एसपी सर के चिल्लाने की आवाज आई हो, या कोई ऐसी चीज जिस पर आपको मैंने शक कहा ना नहीं. बालकनी में मर्डर हुआ है, आप बगल वाले रूम में थी और आपको पता नहीं चला? नहीं मतलब नहीं होता है. आपको क्या लगता है बालकनी में मर्डर हो रहा है पता होने के बाद भी मैं अपने कमरे में चैन से सोऊंगी, या फिर बालकनी में मर्डर करके मैं कमरे में आकर सो गई? आप इंक्वायरी कर रहे हैं या इंटरोगेशन कर रहे हैं? इंक्वायरी. आप मेरी बातों पर यकीन मत कीजिए, और आपको जो भी लगे वो भी मत बताइए. अगर मेरी बातें सच लगे तो आप नोट कर लीजिए, और झूठ लगे तो प्रूफ करने की कोशिश कीजिए. मैम, मुझसे पूछताछ करने का ये कोई तरीका नहीं होता. अपॉइंटमेंट लेकर आइए, अब आप जा सकते हैं. जिस इंसान ने किसी अपने को खोया है उनसे कैसे बात करनी है ये सीख लीजिए. आप पुलिस से पहले एक इंसान है, जब जख्म ताजा हो तो उसे हाथ नहीं लगाते. सॉरी मैम. सर वन मिनट. उन्होंने कहा इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है. ऐसा कौन बोला? उनकी फैमिली फिजिशियन और चाइल्डहुड फ्रेंड, वो इस वक्त यहीं पर है. उनसे मैं बात करता हूँ, चलो. चलिए सर. पूरे शहर में खौफ है. आज सुबह सुबह जिला एसपी विवेक वर्मा जी की कुछ अनजान लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी. दूसरी बात यह है कि जिला जज विवेक वर्मा जी की वाइफ प्रमोदा देवी जी आने वाले 10 दिन में हाई कोर्ट के चीफ जज की शपथ लेने वाली हैं. ऐसे मौके पर इस घटना के होने से राज्य पुलिस डिपार्टमेंट बुरी तरह से बौखला गया है. इस हत्या का कारण क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस डिपार्टमेंट के प्रमुख अधिकारी इस मामले को बहुत सीरियसली ले रहे हैं. ऐसा बता रहे सर, हैं कि सर ये डॉक्टर सरला है, उनकी फैमिली फिजिशियन और फैमिली फ्रेंड. हेलो. हेलो. कैन यू प्लीज अपडेट हर कंडीशन? यस. उनका माइंड ये अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि उनके पति की किसी ने हत्या कर दी है. तब तक कुछ भी पूछने का मतलब नहीं है. उन्हें नॉर्मल होने में कितना वक्त लगेगा? कुछ कह नहीं सकते, ये मेंटल कंडीशन पर निर्भर करता है. वैसे तो ऐसे सिचुएशन में कोई एक हफ्ता या 10 दिन में नॉर्मल हो जाता है. अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसे काउंसलिंग की कुछ सेशंस देते हैं. मुझे आपका अपॉइंटमेंट चाहिए. जज के बारे में आपसे और भी कुछ बात करनी है. ठीक है. आज का मौसम, कल का मौसम, परसों का मौसम, अगले 7 दिनों का मौसम. तो पहले थैंक यू. आप जा सकती हैं मैम. थैंक यू. सूरज और बादलों की लुका छिपी चल रही है. जैसा आपने कहा था, उन दो काम करने वालों को गार्डन में रोक कर रखा है. आप उनसे बात कर सकते हैं. तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो? यहाँ पर 5 साल से कर रहा हूँ सर. 6 महीने हो गए सर. हुसैन सर, अपने सभी लोगों को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है. ठीक है सर. रात में क्या हुआ था, क्या किया था, क्या देखा था और क्या पता है, सब कुछ बताओ, एक एक चीज. रात को साहब और मैम साहब को खाना देने के बाद मैं भी खाकर स्टोर रूम में जाकर सो गया सर. उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर. मैं भी सर, रात में काम होने के बाद किचन में जाके सो गया सर. सुबह इसी ने मुझे जगाया था. तुम इतना डर क्यों रहे हो? साहब की बॉडी देखने के बाद मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है सर. कॉन्स्टेबल? यस सर. अपना नाम, गांव का नाम, घर का पता सब इनको लिखवा दो.
ठीक है सर। और मुझे बिना बताए गाँव तो क्या, गेस्ट हाउस के गेट के बाहर भी मत जाना। अगर इंक्वायरी में मुझे पता चला कि तुम्हें कुछ पता है या मुझे पता है बिना यहां से भागने की कोशिश की तो। नमस्ते सर। सर इस केस की हर एक चीज को सीरियसली लेना होगा। कितनी भी छोटी चीज ही क्यों ना हो उसे हमारे पास लेकर आना, इंच बाय इंच हर छोटी से छोटी चीज को ऑब्जर्व करो। इस केस को अपने विजय सर हैंडल कर रहे हैं। सर। एनी क्लूज? नो सर। ओके, अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। एसपी सर का मर्डर हुआ है, उनकी वाइफ एक जज है, खूनी को नहीं पकड़ा तो सब सस्पेंड हो जाएंगे, ऐसा सोचना भी मत। हमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि खूनी को पकड़ना है, सिर्फ यही अपने दिमाग में रखना। ओके सर। देखो यहाँ आसपास कोई लावारिस व्हीकल पार्क है क्या, कोई अनजान इंसान यहाँ पर दिखाई दिया था ये पता लगा। ओके सर। एसपी सर के फार्म हाउस का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ओके सर। कल जो पेट्रोलिंग में आए थे उनसे बात करो और उनकी हर एक बात को नोट करते जाओ। यस सर। घर के आसपास रोड जंक्शंस पर जहाँ भी कैमरा हो उनकी लास्ट 48 आवर्स की फुटेज मुझे चाहिए। ओके सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी से लाने की कोशिश करो। श्योर सर। हॉस्पिटल में कांस्टेबल को तैनात कर दो। ओके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया को लीक ना हो उसका ध्यान रखना। ओके ओके सर। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? दूध वाले ने। उसको मेरे पास लेकर आओ। ओके सर। तुमको कोई भी क्लू मिले या कोई भी डाउट आए तो मुझे तुरंत कॉल करना, हमें खूनी को पकड़ना है, इज्जत के लिए या मीडिया के लिए नहीं, अपने डिपार्टमेंट के लिए। ओके सर। क्लूज टीम को तुम फॉलो अप करो। यस सर। और फॉरेंसिक टीम से मैं बात करता हूँ। ओके सर। डिसबर्स। यस सर। सिक्योरिटी वाले सब कहाँ गए? वो एक एसपी थे, उनकी वाइफ एक जज है, सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना, कहाँ गए होंगे? सर ये एक्चुअली उनका गेस्ट हाउस है, वो यहाँ कभी कभी ही आते हैं, यहाँ उनके अलावा और कोई नहीं आता, इसलिए सिक्योरिटी को नहीं लाते। और इस गेस्ट हाउस में दो काम करने वाले भी हैं, तो कुल मिला के 4 लोग हैं। मतलब उनके गेस्ट हाउस आने की खबर जिसको पता होगी, मर्डर उसने किया होगा। हो सकता है सर। वो गेस्ट हाउस आने वाले थे ये बात किस किस को पता थी ये पता करो। यस सर। जज के घर के पास भी सर्च करना होगा। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगेगा? हो सकता है और 24 घंटे लग जाएं सर। 24 घंटे, ये एक हाई प्रोफाइल केस है, जल्दी कराने की कोशिश करो। ओके सर। अरे देखो क्या हो रहा है। अरे मुझे नहीं पता, तू ही देख। एक और। नीचे बैठ। ए मने। सर। दीवार के पीछे से दो लोग झांक रहे हैं, उनको पकड़ के मेरे पास ला। दोस्त तुझे कुछ दिख रहा है क्या? हाय सर। क्या देख रहे थे दोनों? सर हमें कुछ नहीं पता सर। क्या देख रहे थे? कुछ नहीं सर, वो क्रिकेट बॉल ढूंढ रहे थे बस। अच्छा क्रिकेट? हाँ सर। लेकिन बैट कहाँ है? बॉल ही नहीं है तो बैट की क्या जरूरत है, इसलिए फेंक दिया। थैंक यू। तुम बैट्समैन हो या बॉलर हो? सर मैं फील्डर हूँ सर, एक बार छोड़ दीजिए मैं वापस नहीं दिखूंगा सर। सर मैं भी रनर हूँ, इसे इधर रोकिए, मैं अपना टैलेंट दिखाता हूँ। रुको ना। रुको दोस्त। सुनो मनी, डीसीपी साहब को कॉल करके केस क्लोज करने को बोल दो। बोल दो कि दो खूनी मिल चुके हैं। सर, यस सर। सर, क्या सर? हम लोग खूनी नहीं है, हम लोग एजुकेटेड है। सच में दोस्त? हाँ दोस्त। ज्यादातर खूनी तुम लोगों जैसे ही दिखते हैं। खूनी? ये आप क्या बात कर रहे हैं सर, मुझे तो खून से बहुत डर लगता है सर। दूसरों को ब्लड देता हूँ, चाहिए तो आप इसका ब्लड ले लीजिए। तुम्हें कुछ कहना है? सर एक्चुअली मुझे खून से एलर्जी है सर, टीवी में भी खून वाले वीडियोस नहीं देखता हूँ सर, मैं तो यूट्यूब की वीडियोस भी नहीं देखता सर, एक बाबा ने बोला था इसलिए। तो हम लोग मर्डर कैसे कर सकते हैं सर? सही कहा ना दोस्त? समझ गए ना सर। मने इन दोनों को थर्ड डिग्री देना, सच्चाई तभी बाहर आएगी। ये क्या बोल रहे हैं सर, थर्ड डिग्री क्यों? हम लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट है सर, आप फिर से डिग्री करने को बोल रहे हैं? इट्स नॉट करेक्ट सर। ये सही नहीं है सर, वी आर सॉफ्टवेयर सर। सच्ची में सर, हम लोग सॉफ्टवेयर है सर, हमारा विश्वास कीजिए सर। सर
सुबह से इस घर में कुछ लोग आ रहे हैं सर। इस घर में आने वाला हर इंसान मुंह पे माइक रख के कुछ तो बोलिए कुछ तो बोलिए कर रहा है सर। इसलिए हम भी कुछ बोलने आ गए सर। क्या बोलते हो दोस्त? हाँ दोस्त। सुनो, तुम बैट्समैन हो ना? हाँ सर। और तुम? मैं रनर हूँ सर। तुम बॉल के लिए भागोगे और तुम रन के लिए भागोगे। ठीक है सर। बॉल और रन मिले ना मिले जान तो बचेगी। थैंक यू सर। मनी सर थोड़ा रास्ता दीजिए। थैंक यू सर। अरे सर वो तो को देखा है। गुड मॉर्निंग मनी सर। क्या ये बड़े लोगों को नमस्कार भी नहीं करता है? यहाँ किसी को भी आने मत देना। गेट के पास कांस्टेबल लगा दो और नए लोगों को अंदर आने मत देना। एविडेंस गायब हो सकते हैं। ओके सर। क्या हुआ? रात में जज के घर में कोई चोरी करने गया था पर अपनी पेट्रोलिंग टीम ने उस चोर को पकड़ लिया है सर। अभी वो कहां पर है? चलिए दिखाता हूं। कहां है? कौन सर? वही जिसको रात में पकड़ा था। वहां बैठा है सर। इसे अंदर क्यों नहीं डाला, बाहर बैठा कर क्यों रखा है? तुम लोग जानते हो ये शख्स कौन है? जरूरत नहीं है सर, मैं भागूंगा नहीं। गन सर, गन सर, गन गन सर। इंपॉर्टेंट एविडेंस है, संभाल के रखना। ओके सर। गन क्यों रखी थी? जो मुझे करना था वो मैं कर चुका हूँ, अब मुझे सजा का कोई डर नहीं। क्या करने वाले थे और क्या किया तुमने? वो इंसान जिसकी वजह से मेरी बेटी की मौत हुई है, उसे सजा देने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। कौन है वो? एसपी विवेक वर्मा। क्या हुआ था मुझे डिटेल में बताओ। बताने के लिए कुछ नहीं है, मेरी एक ही बेटी थी, उसके लिए मैं और मेरे लिए वो। आज से 6 साल पहले एक दिन, जानवरों के लिए लड़ने वाले लोग तो हैं पर लड़कियों के लिए आवाज उठाने वाला एक भी इंसान नहीं है। उस दिन मेरी बेटी अपनी दोस्त के घर गई थी और वो वापस नहीं लौटी। मुझे बहुत डर लग रहा था। 4 दिन के बाद भी वो वापस नहीं आई तो मैं समझ गया था कि मेरी बेटी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की थी लेकिन खाली पर्स गुम जाए या लड़की गुम जाए, दोनों बातों में पुलिस को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। 1 हफ्ते बाद पता चला कि नदी किनारे एक डेड बॉडी मिली है। रेप केस को पुलिस ने एक एक्सीडेंट में बदल दिया। एसपी विवेक वर्मा ने मुझे बुलाया और बोले ये रेप और मर्डर ही है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। जिसने किया था उसके खिलाफ जाने के लिए मुझे मना कर दिया। मुझसे पेपर्स पर साइन करवाए और 25,000 देकर मुझे भेज दिया। मैंने वो पैसे लेने से मना नहीं किया पर पैसे ले लिए। वो पैसे उसे मारने के लिए यूज करना चाहता था। उन्हीं पैसों से मैंने गन खरीदी और उसी गन से उसको हुसैन, इनको अभी कभी हॉस्पिटल ले जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मोनोक्लोराइड क्या तुमने चेक किया? हाँ मैंने चेक किया। और कल की रिपोर्ट्स का क्या? हाँ कल की रिपोर्ट एक ये है और एक पैरासिटामोल। मेन रिपोर्ट्स में यही रिपोर्ट्स हैं। ओके मैम। हे गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा एसपी मर्डर केस आपके गले पड़ा है ना? हाँ ऐसा ही समझ लो, मेरे एरिया में हुआ ना इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा ठीक है पानी लीजिए। थैंक यू।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, मैंने सुना किलर मिल गया। यस सर, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है सर। मोटिव क्या था? मोटिव तो अब तक पता नहीं चला सर, डिटेल्स बताते टाइम उसे अटैक आ गया था सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? रिपोर्ट अब तक नहीं आई है सर, आने के बाद आपको इन्फॉर्म करता हूँ। हॉस्पिटल में कौन है? हुसैन है सर। किलर पकड़ा गया ना, प्रेस मीट रखने के लिए एसीपी सर को बोलूं? प्रेस मीट कल रखते हैं सर। ओके, उनको भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। एनीवेज गुड जॉब। थैंक यू सर। सुबह मर्डर हुआ और शाम तक किलर को पकड़ भी लिया। उसे हमने कहाँ पकड़ा, वो खुद हमारे पास आया। हाँ ठीक है, मैं जरा मूड होके आता हूँ, तब तक तुम कुछ खाने के लिए मंगा लो। ओके। थैंक यू। प्लीज हैव। थैंक यू। हेलो, क्या? अच्छा तुम एक बार ठीक से चेक करो, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ है? एसपी सर की डेड बॉडी पर दो लोगों का खून पाया गया है, उसमें से एक एसपी सर का है। दूसरा खून हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन के खून से मैच करने को बोलो, उसने बोला भी था कि उसी ने मर्डर किया है। चेक किया था पर वो मैच नहीं हुआ। मैच नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता? चलिए लैब चलते हैं। गुड इवनिंग, हम ब्लड सैंपल देखना चाहते हैं। रिपोर्ट जब रेडी हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू। हाँ श्योर। ये हमारी डायरेक्टर सर है, मिस्टर ब्रिजेंद्र। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। हेलो। आपको तो पता ही होगा कि ये एसपी का मर्डर केस है और खूनी हमारी कस्टडी में है, क्योंकि उसी ने बोला कि वो खूनी है। हाँ जानता हूँ, लेकिन सेकंड ब्लड सैंपल उनका नहीं है। आर यू श्योर डॉक्टर? या पुणे या कलकत्ता में भेजकर फिर से रीटेस्ट करवा के देख लीजिए। देखिए, इंडिया में टॉप 7 फॉरेंसिक लैब्स हैं, किसी भी लैब में भेजिए सेम रिजल्ट आएगा। ये कोई कॉस्मेटिक या फूड टेस्टिंग सैंपल नहीं है, दिस इज ब्लड सैंपल एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। इट्स ओके। केस क्लोज होने वाला था तब तक ये सेकंड ब्लड सैंपल मिल गया। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर क्या हुआ होगा? आप लोग अभी क्यों आए हैं? अगर कुछ बताना होगा तो एसीपी सर बुलाएंगे आपको। एसीपी सर ने ही बुलाया है। एसीपी सर ने बुलाया है, पर क्यों? आपको नहीं बताया, इसका मतलब आपको जो नहीं बताना चाहिए वो हमको बताएंगे। सर। क्यों भाई, प्रेस वाले सब अंदर आ गए? जी आ गए सर, लेकिन बात क्या है सर? बात क्या है, तुम ये पूछ रहे हो? केस सॉल्व कर दिया है ना, तो मीडिया को बताना पड़ेगा। सर आपने तो कहा था कि ये बात हम कल बताएंगे प्रेस को, है ना? ये मीडिया वाले हैं, सुबह मर्डर हुआ तो अगर हम इनको शाम तक बताएंगे तो ये बोलेंगे कि खूनी पकड़ा गया, वहीं अगर हम इनको नेक्स्ट डे बताएंगे तो कहेंगे कि खूनी मिल गया है। लेकिन खूनी मिला नहीं है, हमने उसे पकड़ा है, और ये बात प्रेस को पता चलनी चाहिए। लेकिन अब तक हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी रेडी नहीं है सर, और इन सब के बिना प्रेस के सामने जाएंगे तो। अरे खूनी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो ये फॉर्मेलिटीज किस लिए? खूनी पकड़ा गया ये अनाउंस कर देते हैं और केस के डिटेल्स कल दे देते हैं। इतने हाई प्रोफाइल केस को एक ही दिन में सॉल्व कर लिया अपने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, क्या ये प्राउड की बात नहीं है? कितनी इज्जत की बात है, और ये बात यहाँ कोई समझने को तैयार ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है सर, एटलीस्ट एक बार एसआई को बताकर प्रेस मीट अरेंज करते तो। क्या रे, क्या बताना है तुम दोनों को? क्यों मजाक लग रहा है तुमको? सॉरी सर। वो सिर्फ एसआई है, मैं डीसीपी हूँ, वो मेरे अंडर नौकरी करता है और मैं जाकर उससे परमिशन लूं? हद हो गई। चलो।
एसपी को किसने मारा बताओ। सर इनको अभी अभी होश आया, प्लीज डिस्टर्ब ना कीजिए। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, एसपी को किसने मारा है? मैंने मारा है, जितनी बार भी पूछोगे जवाब यही होगा। मुझे सजा मिलेगी ये सोचकर डरने से ज्यादा ये खुशी है कि मैंने उसको मार दिया। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आदमी झूठ बोल रहा है, पर वो दूसरा खून किसका है? ठीक है, तुमने मारा है ना, बताओ कैसे मारा? गन से शूट किया था। वो तो चलो। ये क्या बोल रहा है? एसपी सर को चाकू से मार के बालकनी से नीचे फेंका गया था, उनकी बॉडी पे बुलेट का एक भी निशान नहीं था। बताता हूँ चलो। वैसे अब हम जा कहाँ रहे हैं? जज के घर पर। लेकिन क्यों? छोटे से क्लेरिफिकेशन के लिए। आप ढूंढ क्या रहे हैं? वन मिनट। यस, यहाँ पर देखो। शिट, ये तो बुलेट मार्क्स है। यस, दीवार के डिजाइन से मैच कर रहे हैं, इसलिए क्लू टीम को ठीक से दिखाई नहीं दिया। लेकिन मुझे सुबह ही डाउट हुआ था, बट सीरियसली लिया नहीं। हमें जो खूनी मिला है उसके फिंगरप्रिंट्स और पिस्टल के फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं क्या? मैच हो गए सर। पिस्टल में कितनी बुलेट्स हैं? 3 हैं सर। यस, मैं बाद में बात करता हूँ। सर एक जरूरी बात है। अभी मैं काम में बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। यहाँ दीवार पर पूरी 3 बुलेट्स हैं और वहाँ पिस्टल में 3 बुलेट्स हैं। एक पिस्टल में पूरी 6 बुलेट्स होती हैं। मतलब काउंटिंग बिल्कुल करेक्ट है। यानी उसने ये मर्डर नहीं किया है? नहीं, अगर देखा जाए तो वो एसपी के पास भी नहीं आया था, लेकिन पास जाने की कोशिश की थी और बिल्कुल उसी वक्त एसपी का मर्डर हुआ। वो ऐसा समझ रहा है कि एसपी की मौत उसके शूट करने से हुई है। तो अब हम क्या करें सर? उसे हम अभी ये बात नहीं बताएंगे, खूनी के पकड़े जाने के बाद ही बताएंगे। पहले खूनी कौन है ये पता लगाएंगे। अभी के अभी डीसीपी को कॉल करके कल की प्रेस मीट को कैंसिल करना पड़ेगा। लेट्स गो। ओके सर। एसीपी ऑफिस में है क्या? एसीपी ऑफिस में है सर, प्रेस मीट करने के लिए गए हैं। प्रेस मीट करने गए हैं? किस बारे में? एसपी का मर्डर केस सॉल्व हो गया, यही बताने के लिए प्रेस मीट रखी है उन्होंने। व्हाट? लेकिन प्रेस मीट तो कल थी ना, कम से कम मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। सर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन आपने फोन ही रख दिया। उनको बोल के प्रेस मीटिंग कैंसिल करवा दो, क्योंकि केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। बाकी बातें मैं आके बताता हूँ। क्या कह रहे हैं सर? केस सॉल्व हो गया है, खूनी मिल गया है, ऐसा कहा था आपने। मैंने बोला ना कि आकर सब बताऊंगा, पहले प्रेस मीटिंग कैंसिल करवा दो। ओके सर। तुम लैब चली जाओ अनुषा। ओके सर। एसआई प्रेस मीट कैंसिल करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन क्यों? केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है और कहाँ की डिटेल्स आकर बताऊंगा। उसके आने तक प्रेस मीट रोकनी है और तुम्हारी बात सुनकर प्रेस मीट कैंसिल करनी है। प्रेस मीट क्यों कैंसिल करनी है, उसका कोई रीजन उसने बताया क्या? नहीं सर। नहीं, देखो मैं पहले इस मामले में सीपी से परमिशन ले चुका हूँ, प्रेस मीट होकर रहेगी। डू यू अंडरस्टैंड सर? हाँ जी, अब पूछिए। आप मीडिया से सब कुछ शेयर क्यों नहीं करते? जो मिला वही बताएंगे, नहीं तो एविडेंस डिस्ट्रॉय होगा। सर सुना है जहाँ मर्डर हुआ है उसके बगल के घर में कुछ पुलिस वाले पार्टी कर रहे थे, इसीलिए उस एरिया में मीडिया को आने नहीं दिया। बकवास, सब झूठ है। एक एसपी का इतनी आसानी से मर्डर कैसे हो सकता है सर? देखिए, मर्डर हो या एक्सीडेंट, कब कहाँ क्यों कैसे हो जाएंगे ये बात ना आपको पता है और नहीं मुझे पता है। इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते? एसपी के मर्डर का केस 24 घंटों के अंदर ही सॉल्व कर दिया गया है। मैंने बोला था ना प्रेस मीट कैंसिल करने को। सर मैंने तो बोला था पर मेरी बात मानी नहीं। असली खूनी ये नहीं है बल्कि कोई और है, ये बात जाके सर को बता दो, समझाओ उनको। वो खूनी अभी हमारी कस्टडी में है सर। सर
No questions. हम प्रेस मीट कैंसिल कर रहे हैं, आपको दोबारा इन्फॉर्म करेंगे, आप लोग जा सकते हैं। पुलिस खूनी को नहीं पकड़ पाई तो क्या वो किसी मासूम को पकड़ेगी? सच सामने ना आ पाए इसीलिए लगता है प्लान चेंज कर दिया है। अब इस मामले में पुलिस ही बता सकती है। एसपी मर्डर केस को पुलिस इस तरह से हैंडल कर रही है जैसे ये कोई मर्डर केस नहीं कोई तमाशा हो। ऐसा लोग कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस केस को पुलिस क्लोज करने की तैयारी में है। लगता है उनके पास खूनी को पकड़ने के लिए केस सॉल्व करना तो दूर की बात है, ऊपर से तुम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट का नाम ही खराब कर दिया। ऐसा नहीं है सर, बस थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। तुम चुप रहो तुम। ओके सर। इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने से पहले प्रेस मीट क्यों रखी? बोलो क्यों रखी? ऐसा नहीं है सर। जितनी आसानी से तुम बोल रहे हो क्या मैं होम मिनिस्टर को बता पाऊंगा? तुम लोग सब काम छोड़कर इस केस पर ध्यान दो। ठीक है सर। और तुम? जी सर। इस केस की सारी डिटेल्स अब से डायरेक्ट मुझे दोगे? ओके सर। अब तुम जा सकते हो, जाओ। ओके सर। यस सर। एसपी मर्डर केस में पुलिस ने प्रेस मीटिंग रख के सबको कंफ्यूज कर दिया है। पहले बोले कि खूनी मिल गया है और उसके बाद स्टेटमेंट बदल दिया। किसी भी मीडिया के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मीडिया ने उनसे बार बार सवाल किए कि असली खूनी कौन है। जैसे ही मैंने एमएलए का इलेक्शन जीता मैं तुरंत सीएम के पास गया। पता है मुझे एक ही काम पसंद है और एक ही काम आता है, आप सबको वो काम पता ही है, नोट गिनना। इसलिए उनसे मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री मांगी। पता है उनका जवाब क्या था? तुम्हारा पहले से जेल आना जाना है, चार्जशीट, राउडी शीट, बेल, पुलिस, सबसे तुम्हारे अच्छे रिलेशन है, इसलिए उन्होंने मुझे होम मिनिस्ट्री की पोस्ट दे दी। पुलिस वालों को कभी मैंने सलूट नहीं, सेटलमेंट किया और इसी वजह से मुझे होम मिनिस्ट्री मिल गई। देखो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, चोरी करने के बाद सबूत को पूरी तरह मिटा देना चाहिए। झूठा केस बनाते वक्त झूठे सबूत बना लेने चाहिए। मैं बहुत बोल चुका हूँ, अब तुम लोग बोल सकते हो। सर झूठा केस नहीं है सर, उसे गन के साथ रेड हैंडेड पकड़ा गया है और उसने ये इल्जाम कबूल भी किया है। कबूल किया या करवाया गया ये मैं अच्छे से जानता हूँ सर। दरअसल अब कुछ मत बोलो, तुमने प्रेस मीट रखने से पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मैंने इन्फॉर्म किया था। सफाई मत दो, बिना एविडेंस के प्रेस मीट क्यों रखी थी? आई एम सॉरी सर। आगे कुछ मत बोलो। ओके सर। सर उसने खुद सरेंडर किया था और उसने जो बताया था रेप और मर्डर केस के बारे में वो भी सही निकला। पर्सनल रीजंस की वजह से मर्डर किया है ये कंफर्म हो गया है। उसके बाद सेकंड ब्लड सैंपल के बारे में पता चला और उसके बाद बस करो। इतना सारा उसे कबूल कराया तो ये भी कबूल करवा लेते कि उसने गन नहीं चाकू से खून किया। इतना नाटक करने से अच्छा था इसके हाथ में चाकू देके बोलते कि खून इसने किया। केस क्लोज। मर्डर वेपन अभी तक मिला नहीं है सर और हम उससे कबूल क्यों करवाएंगे? असल में आप कुछ मत बोलो, इसके बाद मुझे बिना बताए कोई कदम मत उठाना। अरे टीवी बंद कर। पति की अर्थी अभी तक उठी नहीं है और पत्नी ने दूसरा आशिक ढूंढ लिया। टीवी में दिखने का जो उत्साह है ना उसे काम में दिखाओ। सर ऐसा नहीं है। पुलिस को केस पर ध्यान देना चाहिए और पॉलिटिशियन को टीवी पर। इस बात को बदलना मत। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अब जाओगे कि नहीं? ओके सर। ओके सर। ये डिपार्टमेंट खाली है तुम्हारा, सिर्फ सल्यूट करते रहते हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं सर? उनका इस केस से क्या रिलेशन है? इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करना होगा। अभी ऐसी सिचुएशन में जज भी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हैं। उनका जवाब आने तक वेट भी नहीं कर सकते। ये उनकी फैमिली डॉक्टर हैं और उनकी बचपन की दोस्त भी हैं। दोनों ने साथ में पढ़ाई की है। इनका स्टेटमेंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
हेलो मैडम। हेलो। हेलो मैडम। जज की हेल्थ कंडीशन कैसी है? जज के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे उनकी पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ तक सब कुछ। अब उनकी हेल्थ काफी इम्प्रूव्ड है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अच्छे से चल रही थी। उनका बचपन से लॉयर बनने का पैशन था और बन भी गई। और फिर जल्दी ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गई। उनके करियर में बहुत तेजी से ग्रोथ हुई और उन्होंने बहुत नाम भी कमाया है। वो एक ऑनेस्ट लॉयर है, इसी ऑनेस्टी की वजह से आज हाई कोर्ट की जज बनने वाली है। अपनी पावर्स का यूज करके वो सिस्टम को बदलना चाहती है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ में कभी कोई टेंशन नहीं थी। दोनों में बहुत प्यार था, वो लोग बहुत खुश थे। बस एक ही बात का दुख था कि वो माँ नहीं बन पाई। उनका कोई दुश्मन है क्या, मतलब जो उन्हें जान से मार सकता हो? उसका तो मुझे पता नहीं, बट एज अ जज शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए उनके दुश्मन हो सकते हैं। सच बोलूं तो मैं अभी तक शॉक में हूँ। वो हाई कोर्ट की जज बनने वाली है, इसलिए परसों घर पर पार्टी भी रखी थी और बीच में ये हो गया। फाइनल क्वेश्चन मैडम, विवेक वर्मा के बारे में आपकी क्या राय है? ही इज अ गुड हस्बैंड, वाइफ के लिए कुछ भी कर सकते थे। उनकी सफलता के पीछे उनके हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा। थैंक यू डॉक्टर। सर, जज के घर पर काम करने वाले दो नौकरों में से एक नौकर कहीं गायब है सर। क्या? मैंने नजर रखने के लिए कहा था ना? सर, मैंने उस पर नजर रखी हुई थी और एक घंटे पहले वो घर पर ही था। ठीक है, अब तुम लोग हर जगह ढूंढो। ओके सर। सर, कैब के लिए पैसे देने पड़ेंगे। पुलिस जीप फ्री है, यहाँ से पुलिस स्टेशन तक और वहाँ से कोर्ट तक, फिर कोर्ट से तुम्हें जहाँ जाना है ड्रॉप कर दूंगा। तो चलो घूमने चलते हैं। चलें क्या? नहीं जाना सर। मारूंगा और तेरी लाश को लेके जाऊंगा। मुझे सिर्फ खूनी चाहिए, फिर वो जिंदा हो या मुर्दा हो। मैंने किसी का खून नहीं किया है सर। तो फिर भाग क्यों रहा था? खून होते हुए देखा है सर। किसका खून? एसपी साहब का सर। तो इस बारे में तूने पुलिस को क्यों नहीं बताया? एसपी साहब को मारते हुए खूनी को देखा है सर, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा सर। अगर मैंने पुलिस को बता दिया तो वो मुझे भी जान से मार देगा, इसलिए मैं डर के भाग रहा हूँ सर।
एक और भी नहीं जीत पाया। ये क्यों चला गया? किस्मत ही खराब है अपनी, एक भी गेम नहीं जीत पाया। पिछले गेम में जितना पैसा हारा था वो सब अगली बार जीतना पड़ेगा। जुए में पैसा हारने वालों के लिए सरकार को कोई ना कोई स्कीम निकालनी चाहिए। देख रहे हो? सेंशुअल, अच्छा, अमेजिंग। सर मैं भी तो देखूं। ब्यूटीफुल। मैंने कहा ना नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, जल्दी दिखाओ। तुम क्या करोगी? हेलो, अरे मुझे देखना है, बचपना क्यों कर रहे हो? हाँ, अब यहाँ मेरी चाइल्डहुड की फोटोज। टीनेज तुम भी ना। ये मेरी कॉलेज की। अब कितनी खूबसूरत हो तुम। ये तो मैं हूँ, मुझे लगा कोई और है। मैडम हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। इसने एक्सेप्ट किया है कि इसने एसपी को मारा है। इस बैग में पैसे हैं और इसने इन्हीं पैसों के लिए खून किया है। क्या ये बैग आपका है? मैडम। हाँ मेरा है। ये पैसे गेस्ट हाउस में क्यों रखे थे आपने? हम गेस्ट हाउस के पास एक जमीन खरीदने वाले थे, ये पैसे एडवांस के लिए वहीं रखे थे। फिर पैसे चोरी हुए ये हमें क्यों नहीं बताया? देखिए ये आपने अभी बताया तब जाके मुझे पता चला। ये सब देखने और सोचने की सिचुएशन में मैं नहीं हूँ। ये कब से गेस्ट हाउस में काम कर रहा है? शायद कुछ महीनों से। और आप इसको कब से जानती हैं? मैं नहीं जानती। देखिए मैं गेस्ट हाउस बहुत कम जाती थी, इसके ज्वाइन होने के बाद मुश्किल से 4 या 5 बार गई होंगी। थैंक यू मैडम, आपने जो कहा है वो सब राइटिंग में देना होगा आपको। चल मैडम, आपके पति का खून हुआ था, इसने किया था पैसों के लिए। इस बात को आप जितनी जल्दी डाइजेस्ट करेंगी उतना अच्छा होगा। सर, सर जो हुआ था वो सब सर को बता दे।
सर वो उस दिन मैडम और सर सो रहे थे, लॉकर से पैसे निकालते समय एसपी सर आ गए थे, पकड़े जाने के डर से मैंने उन्हें चाकू मार दिया था सर, यही हुआ था सर। उसके बाद तुमने चाकू कहाँ छुपाया? कुएं में फेंक दिया था सर। गेस्ट हाउस में कुआं तो नहीं है? गेस्ट हाउस में नहीं सर, उसके पीछे वाले कुएं में। इसको लेके जाओ सर, और गोताखोरों की मदद से चाकू को कुएं से बाहर निकलवाओ। श्योर सर। शाम को प्रेस मीटिंग बुलवा लो, पुलिस डिपार्टमेंट पर लगे दाग को धोने का वक्त आ गया है, जल्दी करो। श्योर सर। रिपोर्ट तैयार है ना? जी हाँ, रिपोर्ट ये है मैडम। ये देखिए। ओके थैंक यू। इस नौकर का ब्लड डेड बॉडी पर मिले ब्लड से मैच हुआ क्या? मैच हुआ सर। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। बालकनी में एसपी के ब्लड के साथ नौकर का ब्लड भी मिला है सर। गुड। वेपन कलेक्ट किया? कलेक्ट कर लिया है सर, और फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो गए हैं सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोड़ी देर में वो भी आ जाएगी सर। इतनी देर क्यों हो रही है? हर बार ऐसा ही होता है सर, मैं जल्दी करने को बोलूंगा और अगर कोई गलती हो गई तो बोलेंगे हमारी वजह से हुई है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा सर। ठीक है, इस बार सब सही होना चाहिए। श्योर सर। प्रेस मीट शुरू करते हैं। सर आप हमारे सवालों का जवाब देंगे या फिर डीसीपी सर की तरह भाग तो नहीं जाएंगे? पुलिस भागती नहीं, भगाती है। क्या आपको खूनी मिला या नहीं मिला? मिला था इसलिए कहा मिल गया, और नहीं मिला था इसलिए कहा नहीं मिला। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने के लिए पब्लिक को कम से कम सॉरी तो बोल दीजिए सर। सॉरी आप लोग बुलवाएंगे? हाँ, आप तो जिंदा लोगों को भी मार देते हैं, फोटो पे तिलक लगा के हार चढ़ा देते हैं, लोग सैड सॉन्ग्स तक बजाने लगते हैं, है ना? हाँ, उन्हें सॉरी बोलेंगे आप? आपके ब्रेकिंग न्यूज देखने वाले मरते हैं, न्यूज को न्यूज की तरह पढ़ते नहीं भोंकते हैं आप, एक ही न्यूज को बार बार प्ले करते हैं, देखने वाले का दिमाग खराब हो जाता है, उन्हें सॉरी बोलेंगे आप? पॉलिटिशियन गलती करेंगे तो वो आप दिखाएंगे क्या? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनसे आपको डर लगता है, डर डर भोंकेंगे। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, आई एम सॉरी। सॉरी बोल दिया ना? लेकिन मैंने सच ही कहा है, आप लोग ऐसे नहीं हैं, पर कुछ लोग होते हैं ना। प्लीज कैरी ऑन, कैरी ऑन। सर आखिर पुलिस इस केस को सीरियसली क्यों नहीं ले रही है? डिपार्टमेंट लगातार 48 घंटे से काम कर रहा है, इस केस को लेकर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही सीरियस है, इसीलिए तो खूनी आपके सामने है। सर एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लीजिए। क्लूज टीम को या फॉरेंसिक टीम को किसी को भी पॉइजन सैंपल मिला क्या? नहीं सर, जो स्पॉट में मिला उसमें लिकर, फूड, वाटर किसी में भी पॉइजन नहीं मिला है सर। सर एसपी सर के घर का अपनी टीम ने कोना कोना चेक कर लिया है सर, पॉइजन से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एसपी की मौत पॉइजन से हुई। एक बोल रहा है कि चाकू से मारा पैसों के लिए, और एक बोल रहा है कि मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ इसलिए मैंने शूट कर दिया। ये खून किया किसने है? समझ में नहीं आता, आखिर ये खून किया किसने? वही तो पता नहीं चल रहा है। ए, वहां खड़े क्या देख रहे हो? सर ये देखिए सर। अरे ये क्या, क्या हुआ? ओ माय गॉड, बिग ब्रेकिंग न्यूज, एसपी विवेक वर्मा हत्या केस में एक नया मोड़। इस केस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सबूत को एक्सक्लूसिवली आपको दिखाएगा हमारा चैनल। विनोद से मैंने बात की थी उस दिन, आप लोग सीआई सर के घर पर पार्टी कर रहे थे,
विनोद ने उनकी कार को जज के गेस्ट हाउस के सामने पार्क किया था। वही कार सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड भी हुई थी। जब हमारी टीम राउंड के लिए गई थी तब उन्हें यह डेटा मिला। विनोद का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेना और फुटेज हैंड ओवर कर लेना। ठीक है सर। मैंने एक बार बोल दिया ना, एक ही बात को कितनी बार रिपीट करोगे? फोन कट करो, आगे कुछ मत बोलो। मैं प्रेस मीट में हूँ, बाद में बात करता हूँ। चलिए पूछिए। सर, जमीन कब्जे में आपका भी हाथ है। अपोजिशन वाले ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं, अब आपका क्या कहना है? कुछ बताइए ना सर। वही रुक जाओ। हमने जमीन को कब्जा करने वालों से छुड़ा के गरीबों में बांट दी और आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। वहाँ हमने फैक्ट्रियाँ खोल के लोगों को काम दिलवाया और आप कह रही हैं कि हमने स्कैम किया, हमने पब्लिक के लिए अच्छा किया और वो लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो कौन लोग हैं सर? और कौन अपोजिशन वाले? उनको हमारा कुछ पसंद नहीं आता। आप वन साइडेड सोचते हैं, जो अच्छा लगे वही बोलते और दिखाते भी वही हैं। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं फ्री नहीं बैठा हूँ। एक्स मिनिस्टर की तरह मैं होम मिनिस्टर हूँ। हाँ ठीक है सर, एसपी सर के मर्डर केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर आपकी क्या राय है, क्या आप बताना चाहेंगे हमें? दरअसल इस केस पर है ना, पुलिस मेहनत कर रही है लेकिन सबूत इकट्ठा करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। अब इंटरव्यू खत्म होता है, आप लोग जा सकते हैं। जाइए जाइए, आपके लिए ताज़ा गर्मा गर्म बिरयानी के पैकेट रखे हैं। ये किस चैनल का माइक रह गया? इन लोगों को प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं कर रहे क्या? बुला रहे उसको? चलो जाने दो, आप लोग भी जा सकते हैं। खेल खत्म। गुड मॉर्निंग सर। ताला खोलो जल्दी जल्दी। ओह माय गॉड, लगता है सर उसे मार देंगे। क्या करूं? सीआई सर को कॉल करती हूं। हेलो सर, मैं एएसआई सुमलता बोल रही हूँ सर। विजय सर उस नौकर को मार देंगे सर। सर सर, सीआई सर लाइन पर है सर। सर, सीपी सर ने तुम्हें बुलाया है, कुछ जरूरी काम है, जल्दी आओ। ओके सर। इट्स ओके सर, बैठ जाओ। उसको मारेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? या उसे जान से मारकर लोग जो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते उसे सच साबित करोगे? बहुत गुस्सा आ रहा है सर, पर किस पर ये पता नहीं चल रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। करेंगे सर, उसको बाहर लाएंगे, बस एक बार और मौका दीजिए सर। इस केस को सॉल्व करने में तुम कितनी मेहनत कर रहे हो ये मैं देख रहा हूं, पर अब उसकी जरूरत नहीं है, छोड़ दो। ऐसा मत बोलिए सर, वापस ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने कहा ना, छोड़ दो। प्लीज सर, उस खूनी को मैं अपने हाथों से पकड़ना चाहता हूं। प्लीज सर। तुमसे पहले मैं ही उसे पकड़कर शूट कर देना चाहता हूं, वो भी एक बार नहीं दो बार। पॉलिटिशियंस, डिपार्टमेंट, मीडिया सबकी नजरों में गिर गए, पर अब कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं सर? जिस जमीन को मैंने सच में हथियाया था उसको मैंने पब्लिक के सामने झूठ साबित कर दिया है, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी को मैं किसी के सामने बयां भी नहीं कर सकता। सॉरी सर। यही सॉरी मुझे पब्लिक इलेक्शन के बाद बोलेगी। तुम्हारे सॉरी बोलने से तो तुम्हारी सैलरी से एक रुपया भी नहीं कटेगा, लेकिन जब पब्लिक मुझे सॉरी बोलेगी तो मुझे 5 साल घर पे बैठना पड़ेगा ठन ठन गोपाल बन के। मैं एक बात बताना भूल गया, ये केस अब सीआईडी के पास चला गया है। आज ये बात कोई प्रेस मीट प्लान मत करना, अपने हाथ की ये चूड़ियां छुपा लो और जाकर ये केस उनके हाथ में दे दो। जल्दी करो, सुना कि नहीं? अब जाओ। ओके ओके जाओ, निकलिए। मैंने भी किन पे भरोसा कर लिया। सिर्फ एक हफ्ता मांगी है सर,
सिर्फ एक हफ्ता। सर आपसे मिलने बाहर सीआईडी ऑफिसर आई हैं। उन्हें अंदर भेजो। जी। हेलो, सीआईडी ऑफिसर आ गई हैं। केस हैंडओवर करके बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। सर। सबसे पहले एरिया एसआई से मिलकर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद पेपर्स पर साइन करके ऑफिशियली केस असाइन करता हूँ। ओके सर। कल रात ड्रिंक एंड ड्राइव में तुम ही लोग पकड़े गए थे ना? जी हाँ सर। कहाँ रहते हो? नाला सोपारा में रहता हूँ सर। तेरा नाम क्या है? बाबू भाई सर। तेरा लाइसेंस कहाँ है? एसआई कहाँ मिलेंगे? वो जज के घर पर गए हुए हैं पूछताछ करने के लिए। लेकिन सीपी सर ने बताया नहीं क्या? तब तक एसआई सर यहाँ से निकल गए थे मैडम। आप में से किसी को उनका घर पता है? मुझे पता है मैडम, मैं ले चलता हूँ। चलो। जब तक एसआई सर नहीं आते बाहर वेट करो। आगे बैठो। ओके मैडम। ऐसा ही अंदर है क्या? नहीं मैडम, अभी लैब के लिए निकले हैं। ये लोग भी, तुम सब मिलकर गेम खेल रहे हो, यहाँ कॉमेडी हो रही है? तुम लोगों का काम पर ध्यान नहीं रहता, इसीलिए ये केस हमें दिया है। मैडम लैब का एड्रेस मुझे पता है मैडम। ऐसा ही है क्या? सर अभी पुलिस स्टेशन गए हैं मैडम। Damn it. अब पुलिस स्टेशन वापस चले क्या मैडम? अच्छा अब तुम मुझे आदेश दोगे? सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। मैं देखती हूँ। यहाँ एसआई कौन है? मैं हूँ। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? सीपी सर ने जब फोन किया था तो आपको यहाँ रुकना चाहिए था ना? हाई ऑफिशियल के साथ आप ऐसा बिहेव करेंगे? सॉरी मैडम। साइन करके दीजिए। हेलो मैडम, सीपी सर सिक लीव पे घर चले गए हैं। क्या? सुबह ही उनसे बात हुई थी, अचानक बीमार कैसे हो गए? मुझे नहीं पता मैडम, मुझे बस इन्फॉर्म करने के लिए कहा गया। सीपी सर सिक लीव पर है क्यों? हाँ कैसे पता? आज से सीपी सर 4 दिनों तक सिक लीव पर रहेंगे, कोर्ट 5 डेज हॉलीडेज। ये केस आपके हाथ में आने के लिए अभी 1 हफ्ता और लगेगा। तो तुम मेरे साथ ये घटिया खेल खेल रहे हो? अभी के अभी मजिस्ट्रेट के पास जाकर साइन करा के इस केस का टेक ओवर लेती हूँ। कोर्ट टाइम भी खत्म हो गया मैडम। इस 1 हफ्ते में तुम क्या करते हो अब मैं वो देखूंगी। सिंसियरिटी सीरियसनेस बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर का खून हुआ है, फिर भी इतनी गैर जिम्मेदारी से काम हो रहा है। अब मैं यही रहूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी और देखूंगी तुम केस को कैसे सॉल्व करते हो। श्योर मैडम, आप हेल्प करेंगी तो ये केस और जल्दी सॉल्व करेंगे। इर्रेस्पॉन्सिबल फेलोस। हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट? केस को हम शुरुआत से देखते हैं। सभी मर्डर केसेस में सबसे पहले दिमाग में 5 सवाल आते हैं। 5 W's। मतलब? खून कहाँ हुआ था? एसपी सर के गेस्ट हाउस में। और कब हुआ था? 28 midnight। गुड। अभी हमारे पास सिर्फ 2 सवालों का जवाब है, हमें बाकी के 3 सवालों का जवाब पता करना होगा। हु मतलब कौन है, व्हाई क्यों किया है, व्हाट क्या हुआ था। सबसे पहले व्हाट से शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ होगा? एसपी को मारने के लिए इतना गुस्सा किसके अंदर था?
और हमें जो गन के साथ मिला था उसने 6 साल पुराने मर्डर केस के बारे में बताया था, क्या ये सच है? यस सर, वो सच है सर। उस केस की डिटेल्स मेरे पास भेजो। श्योर सर। एसपी किस ईयर बैच के हैं, उनके सारे रिमार्क्स और रिवॉर्ड्स सब कुछ पता करो। ओके सर। एसपी सर के घर की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की है ना? यस सर। वो सारी सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर लेना। ओके। जज ने जो भी फेमस केसेस सॉल्व किए हैं पता करो उनमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, या फिर उनका कोई दुश्मन है क्या। ओके। एसपी सर पर जो भी एलिगेशंस लगे हैं उन सब की इंक्वायरी करो, अपने पास एक ही हफ्ते का टाइम है। सर मैंने ने कहीं तो देखा है। कहां देखा, जरा याद करने की कोशिश करो। 1 मिनट सर। हाँ यहां पर ये वीडियो देखिए सर। ये फुटेज कहां की है? सर 4 महीने पहले जोसेफ सर एसपी सर को मिलने के लिए आए थे यहां। मतलब डीएसपी का इस मर्डर से कुछ तो संबंध है, हमें तुरंत उन्हें ट्रेस करना होगा। सर इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। Any clues? सर एक बार इस वीडियो को देखिए। क्या है इसमें? इस वीडियो का जरा टाइम देखिए आप। 12:10। ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। इसमें एसपी सर के मर्डर का टाइम देखिए। ओह, 12:35। That's the point. मतलब एसपी सर बालकनी पे चढ़े लेकिन वहां से कूदे नहीं। वो आत्महत्या करने वाले थे लेकिन की नहीं, यानी कि जब एसपी सर आत्महत्या करने गए और जब उनका मर्डर हुआ दोनों के बीच 20 मिनट का अंतर है। यस। इस बीच क्या हुआ होगा ये पता करना होगा। एसपी सर की प्रीवियस हेल्थ कंडीशन के बारे में पता करो। sure. और उनके हार्ट डिजीज के बारे में भी पता करो। वेरी गुड। थैंक यू। अब हमारा एक शक तो क्लियर हो ही गया है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। थैंक यू। यस थैंक यू सर। आओ बैठो। सर आपने बुलाया मुझे? तुम्हारी वजह से बहुत दिनों बाद लीव ली है। सॉरी सर। इट्स ऑल राइट। हमारे लिए ये केस इंपॉर्टेंट है, तुम्हें एक बहुत अहम बात बतानी है इसीलिए बुलाया है। आज से कुछ साल पहले एक सेंसेशनल रेप केस टेकअप किया था। एसपी ने बदमाश शूटर को जेल भेज दिया था। उसने जेल से बाहर आकर एसपी को जान से मारने की धमकी दी थी। लास्ट ईयर वो जेल से छूटा था, आजकल वो इसी शहर में है। ये है उसकी फाइल, तुम्हें दे रहा हूं, ध्यान रखना। वो भागने की कोशिश करेगा, यू टेक केयर। ओके सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप यहां पर? आपके साथ चलना है ना इंक्वायरी के लिए। मुझे लगा आपने गुस्से में बोल दिया था। नहीं, इस केस को लेकर मैं पहले से ही बहुत सीरियस हूँ। मैं बदमाश शूटर को पकड़ने जा रहा हूँ, ये एसी रूम में बैठकर क्वेश्चंस करने जितना आसान नहीं होगा। आई नो। अब चले। मिलना है बशीर से। मिलना है। क्या काम है उनसे? बशीर से मिलना है। काम क्या है वो बताना। बशीर से मिलना है। भेजो ने अंदर। आजा।
भाई बशीरो, क्या चाहिए तुझे? किसी को मारने की सुपारी देनी है। मैं सुपारी लेता हूँ, ऐसा तुझे किसने बताया? या ऐसा कोई काम नहीं होता है, चल निकल यहाँ से। कितना पैसा चाहिए? ए, बोला ना ये सब यहाँ नहीं होता, समझ में नहीं आ रहा? तुझे किसी ने गलत एड्रेस दे दिया, चल। एडवांस कितना दे दूं? तू बहुत होशियार है रे, 5 लाख लगेगा। मिल जाएगा। किसको मारना है? एक पुलिस वाले को। हाँ? पुलिस वाले को? पैसा ज्यादा लगेगा। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बताए तरीके से मारना होगा। कैसे मारना है उसे? एसपी को चाकू से घोंप घोंप के जख्मी करके उसके बाद बालकनी से नीचे गिराना होगा। विवेक वर्मा से तेरी क्या दुश्मनी थी? मैं किस लिए मारूंगा सर? जेल से बाहर आने के बाद मैं बस अपना पुराना धंधा कर रहा हूँ सर। खून करना ही तो तेरा पुराना धंधा है ना? मैं कहाँ खून करता हूँ सर? 6 साल पहले रेप केस में उन 2 लोगों ने मिलके मुझे फंसाया था सर। 2 लोग? कौन 2 लोग? एसपी विवेक वर्मा और एएसपी जोसेफ। क्या हुआ था, डिटेल में बता। 6 साल पहले एक रेप केस हुआ था, वो बहुत सेंसेशनल हुआ था। वो रेप बड़े बाप की बिगड़ी औलादों ने किया था। उन लड़कों को इस केस से बचाने के लिए उनके बाप ने दोनों को ढेर सारा पैसा दिया था। मैं शराब का धंधा करता था, मुझ पर रेप केस लगा दिया। 5 साल की सजा हुई मुझे। जेल से बाहर आने के बाद इतना गुस्सा था कि उन दोनों को जान से मार दूं। लेकिन वो लोग बहुत पावरफुल है सर, मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए सब भूलकर अपने काम पर लग गया सर। पिछले महीने की 28 को तू कहाँ था? उस दिन चीटिंग के केस में कोर्ट गया था सर, पूरे दिन कोर्ट में ही था सर। चाहिए तो मेरे वकील से पूछिए। अभी एएसपी जोसेफ कहां पर है ये पता करना होगा। कल तक हमें मुंबई के लिए रवाना होना होगा। जोसेफ सर से बात हो गई तो बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। एक बात पूछूं आपसे? पूछिए ना। आप इस केस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? मर्डर वाली रात मैं और मेरे कलीग्स एसपी के गेस्ट हाउस के बगल वाले घर में ही थे। उस रात को मुझे कोई तो आवाज सुनाई दी थी, लेकिन मैंने वो इग्नोर कर दिया। काश अगर उस दिन वो आवाज सुनकर मैं सीधे वहां पर चला गया होता तो आज वो जिंदा होते। एटलीस्ट खूनी तो पकड़ में आ ही जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी मौत का जिम्मेदार मैं भी हूं। हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ है?
कस्टडी में नौकर ने आत्महत्या कर ली है। कैसे हुआ? इसने ब्लेड से अपना हाथ काट लिया सर। इसको ब्लेड मिला कैसे? पता नहीं सर, इंक्वायरी कर रहा हूं। बॉडी लेकर जाओ। मूव द बॉडी। हम मुंबई बाद में चलते हैं। तुम्हारा यहां रहना जरूरी है, नहीं तो जॉब जा सकती है, क्योंकि सुसाइड तुम्हारी कस्टडी में हुआ है, तुम सस्पेंड हो सकते हो। चलो निकलते हैं। मेरी बात सुनो, दो दिन बाद केस सीआईडी को देना है। बिना केस सॉल्व किए ड्यूटी करने से अच्छा है कि कोशिश करके सस्पेंड हो जाऊं। जोसेफ सर का घर यही है? आप कौन हैं? वी आर फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट, फ्रॉम महाराष्ट्र। बैठिए। हाँ, थैंक यू। एक केस के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। क्या बात करनी है? बात करने से गुजरा इंसान वापस नहीं आएगा। कौन गुजर गया? एसपी विवेक वर्मा के मर्डर की बात आपको पता है? वो कौन है? हाँ? क्या अभी आपने किसके गुजरने की बात की थी? अपने पति जोसेफ के बारे में। क्या जोसेफ सर की डेथ कब हुई? 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट में। सॉरी मैडम। सॉरी। यह है मैडम आपकी फाइल। हमें एक डेड बॉडी मिली थी हाईवे पे, जो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए थे। ड्राइवर मिला? ड्राइवर मिला था, उसको 2 साल की सजा हो गई। कौन सी जेल? अभी वो यवतमाल की जेल में है सर। ओके। ओके, थैंक यू। कहीं भी जा रहे हैं काम नहीं हो रहा, इतनी दूर आना भी बेकार हो गया। ट्रक ड्राइवर ने कबूल किया कि वो शराब के नशे में था, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। सब कुछ कंफर्म करके क्लियर कर लेंगे तो बेटर रहेगा। इस फुटेज को देखो, रात की है, ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगी। ठीक है, मैं ड्राइव करती हूँ, आप रिलैक्स कर लीजिए। अच्छा प्रेमा जी, वो वीडियो मुझे शेयर कीजिए। कितनी बार भी देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। प्रेमा जी,
देखिए बुरा मत मानिए, मुझे एक और हेल्प चाहिए, कर सकती हैं? फिर से शुरू हो गया। कैसी हेल्प? वो उस जेल के कैदी से एक मीटिंग अरेंज कर सकती हैं? आर यू क्रेजी? उस केस और इस केस का क्या लेना देना? प्रेमा जी प्लीज, प्रेमा जी प्लीज, बस एक हेल्प कर दीजिए। ओह गॉड, ये और इसकी सिंसियरिटी। जोसेफ सर को क्यों मारा? उस दिन पूरा दिन ड्राइविंग कर रहा था मैडम, थोड़ी शराब भी पी रखी थी, इसलिए नशे में एक्सीडेंट हो गया। सच बोलो, तुम सच बोलोगे तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। शराब के नशे में एक्सीडेंट हुआ था मैडम, उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, उनको तो मैं जानता भी नहीं था। पता नहीं ये सच बोल रहा है कि नहीं, पर झूठ बोलने की कोई वजह भी तो नहीं है। कितना पैसा लिया था? क्या बोल रहे हैं सर, नशे में एक्सीडेंट हुआ था। तो सच बोलेगा तो किसी को नहीं बताऊंगा, मैं यहां से साइलेंटली निकल जाऊंगा, नहीं तो फिर तेरी बीवी बाहर ही है। जो पैसा तूने उन्हें मारने के लिए लिया था वो मेरे पास ही है, तू सच नहीं बताएगा तो इस केस में तेरी बीवी को भी फंसाऊंगा। 5 लाख लिया था सर। हाँ? चलिए सर, चाहिए तो पूरा पैसा आप ले लीजिए सर, लेकिन मेरी बीवी को छोड़ दीजिए सर। तेरी शादी हुई कि नहीं मुझे नहीं पता, तो फिर तेरी बीवी कहां पर रही है मुझे कैसे पता होगा। हाँ? एक मिनट, ट्रक ड्राइवर ने एक्सीडेंट नहीं किया, ये आपको कैसे पता? वेट, ये वीडियो आपने ही भेजी थी, इस वीडियो को ठीक से देखिए, इस ट्रक ड्राइवर का फेस नहीं दिखाई दे रहा है, बस स्टीयरिंग पर उसका हाथ दिख रहा है। हाँ सही कहा। इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? इसके राइट हैंड की छोटी उंगली नहीं है। यस। अब ये वीडियो देखिए। इसकी भी छोटी उंगली नहीं है, मतलब ये दोनों सेम ही हैं। यस। ये कहाँ की फुटेज है? एसपी सर के घर से भागने के समय की फुटेज है। माय गॉड, मतलब जिसने ट्रक से जोसेफ सर को मारा था वही एसपी को भी मारने आया था। यस। माय गॉड, वो अभी तुम्हारी ही कस्टडी में है, उसकी इंक्वायरी करेंगे तो केस क्लोज्ड। चलो चलते हैं। मेरा गेस अगर सही है तो वो अभी तक बचता आया है, खुद को बचा रहा है। खुद को बचा रहा है, कौन और क्यों? मुझे इन्हीं सवालों का जवाब चाहिए। हो वाय। हेलो सर। उस दिन जिसने एसपी के घर की दीवार से जंप किया था उसका फोटो भेजो। ओके सर। इमीडिएटली। ओके। इस बारे में किसी को मत बताना। ठीक है सर। हाँ। ये कहां पर है पता कीजिए। कितने का? 20 रुपए का। एक डजन देना। हाँ दे लीजिए। कैसे दिए टमाटर? Thank you.
प्रेमा कार लेके आओ जल्दी जल्दी। आपको कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। हुसैन यहाँ पर नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं? उसका नाम है हुसैन। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस सब के पीछे हुसैन है? सर आप यहाँ कब आए? जोसेफ सर से मुलाकात हुई? हाँ वो सब बाद में बताता हूँ, पहले हॉस्पिटल जाके जिसे गन के साथ पकड़ा था उसकी इंक्वायरी करते हैं। चलो। सर वो वहाँ नहीं है। मतलब? भाग गया वो। तो क्या उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ढूंढा नहीं? नहीं सर, कमिश्नर सर ने कहा था कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये भी कहा था कि इससे केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने असली क्रिमिनल को पकड़ने पर फोकस करने के लिए कहा है। ठीक है, तुमसे बात करनी है, चलो। श्योर सर। हम यहाँ वापस क्यों आए सर? बताता हूँ। ये सब क्यों किया बताओ? मैंने क्या किया सर? कोई भी अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को कट कर सकता है, लेकिन राइट हैंड से राइट हैंड को कट नहीं कर सकता है। शिट। मुझे सब कुछ पता है। 3W का आंसर, Who, why, what? लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था। तू सच बोलेगा तो FIR में रहेगा, नहीं तो डेथ सर्टिफिकेट में रहेगा। चॉइस कर ले, केस तो क्लोज होना ही है। सर पॉइजन बॉटल कहाँ है? वर्मा के मर्डर केस में आखिर किसका हाथ है, उस मुजरिम का पता पुलिस अभी तक नहीं लगा पाई है। और आज हमें एक नई खबर मिली है कि कल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेने जाने वाली प्रमोदा देवी जी आज प्रेस से बात करने वाली हैं कि जब से मर्डर हुआ था तब से कोर्ट नहीं जा रही हैं। आखिर इस मर्डर को कैसे अंजाम दिया गया है, इस मर्डर के पीछे का राज क्या है, ये सब पुलिस अच्छे से जांच करके पूरे सबूत हासिल करने के बाद एक रिपोर्ट बनाकर कमिश्नर को पेश करने का आदेश किया गया है। हेलो सीपी जी। हाँ यस मैडम। क्या आप घर आ सकते हैं? ओके मैडम। कुछ जरूरी बात करनी है। या जज मैडम। आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही मेरे पति विवेक वर्मा का मर्डर हुआ था। वो केस अभी भी चल रहा है। कल मैं हाईकोर्ट जज के लिए शपथ लेने जा रही हूं, लेकिन उस विषय पर मैंने एक निर्णय लिया है और वही बताने के लिए मैंने आप सबको यहां बुलाया है। बताइए ना मैडम। मैंने फैसला किया है कि कल मैं शपथ नहीं लूंगी। और इतना ही नहीं, मैं जज के पद से भी इस्तीफा दे रही हूँ। अचानक से ये फैसला लेने के पीछे कोई कारण है? ये अचानक से लिया हुआ डिसीजन नहीं है, बहुत सोच समझ के फैसला किया है। आपके इस्तीफा देने से आपके पति वापस नहीं आएंगे? क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं मैडम। फिर आप नहीं समझ पाएंगे। पुलिस आपके पति का केस सही तरीके से हैंडल नहीं कर रही, क्या इसलिए आप इस्तीफा दे रही है मैम? पुलिस डिपार्टमेंट की इंक्वायरी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपको भरोसा है कि सच बाहर आएगा? मुझे पूरा भरोसा है और मैं सच का सामना भी कर सकती हूँ। आपने जिंदगी में अच्छे काम करके खूब नाम कमाया है,
क्या अभी इस्तीफा देना ठीक होगा मैडम? मुझे खुद पर भरोसा है कि मैंने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इस्तीफा देने के कारण को शब्दों में बता सकती हैं? पेशे का सम्मान। क्या आपका फैसला चेंज हो सकता है मैडम? फैसला लेने से पहले मैं सोचती हूँ और लेने के बाद फैसले को निभाती भी हूँ। उनके मर्डर की आपको कोई डिटेल पता है? पता है। क्या पता है मैडम? अभी मैं सिटिंग जज हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगी। कल रेजिग्नेशन देने के बाद मैं सब बताऊंगी। आइए बैठिए। मैंने जो प्रेस मीट में कहा आप लोगों ने सुन ही लिया। कल मैं इस्तीफा देने जा रही हूँ। सुना मैडम, पर क्यों? ये समझ में नहीं आया। कल इस्तीफा देने के बाद और प्रेस को बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। अपने पति विवेक वर्मा को मरवाने वाली मैं ही हूँ। शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे पर मैंने ही उन्हें मरवाया था। हमें पता चला? कब पता चला? कल ही। तो फिर मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया? खूनी कौन है? खूनी एक औरत है सर, एक औरत है। औरत है? कौन है? छत साहिबा। लेकिन मोटिव क्या है? 6 साल पहले एक रेप केस में पैसे लेकर एविडेंस के साथ छेड़खानी करके उसमें एक बदमाश शूटर को फंसाया था, एसपी विवेक वर्मा, एएसपी जोसेफ ने। लेकिन उस केस की री इन्वेस्टिगेशन करने के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड करके उन पर ट्रिब्यूनल डाला था। उसमें उन दोनों को क्लीन चिट भी मिल गई थी। हाँ हाँ, मुझे पता है। बट इसमें एक बात हम भूल गए थे सर, वो क्लीन चिट देने वाली जज कोई और नहीं, एसपी सर की वाइफ थी। ये देखिए, अफिडेविट एक ऑटो ड्राइवर ने दिया था जो हमारा पहला विटनेस था। फर्स्ट विटनेस और एविडेंस है तो मैं कैसे आंखें बंद कर सकती हूँ? ये एक मिनट रुको, सब लिखा हुआ है। मैं ये सब देख चुका हूँ, मेरी बात सुनो। मेरे लिए क्या तुम इस केस को भूल सकते? आपके लिए कैसे? आई एम वर्किंग फॉर द लॉ। सबूत मेरे सामने है तो मैं कैसे नजर फेर लूं? इट इज इम्पॉसिबल। खुद ही यहाँ देखिए। सब जानते हैं कानून तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, पर मेरी भी तो कुछ इम्पोर्टेंस है ना? तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। पर कैसे? सबूत मेरी आंखों के सामने है, मैं कैसे? इस केस को लेकर मेरे ऊपर भी प्रेशर है, बताओ मैं क्या करूं? इट इज नॉट इन माई ज्यूरिसडिक्शन, मैं कैसे करूं? अपने हस्बैंड की इतनी छोटी सी मदद नहीं कर सकती तो? आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ पर मैंने शपथ ली है, ये तो आपको याद है ना? प्लीज मेरी मदद करो प्रमोदा, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। इट इज राइट देयर, इस फाइल में सब कुछ है। आई कैन नॉट चेंज इट। मेरे लिए कर दो, समझो जरा। मैं सब समझ रही हूँ पर सच में ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं नहीं। क्या ये फाइल तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी है? इस केस में ये एविडेंस बहुत जरूरी है। अरे ये क्या किया आपने? रुको, मेरी बात सुनो। चाय ले लीजिए। ये फाइल आपसे ज्यादा जरूरी नहीं है। थैंक्स, थैंक यू प्रमोदा।
उनका इस खून से क्या संबंध है? लास्ट ईयर गवर्नमेंट चेंज होने के बाद इस केस को फिर से रीओपन करने की अनुमति मिल गई थी। इस केस के बारे में जब जोसेफ को पता चला तो 4 महीने पहले वो एसपी को मिलने गए थे। हे विवेक, आज कैसे आना हुआ? क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो केस था ना, वही रेप केस, फिर से रीओपन हुआ है, देखो तो। और उनसे मिलने के 2 महीने बाद जोसेफ सर की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। और इस सब के पीछे थी जज। उन्हें इससे क्या फायदा? केस रीओपन करने से जोसेफ और एसपी विवेक वर्मा को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला था। केस जब तक कंप्लीट होता तब तक गवर्नमेंट चेंज हो जाती, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान होगा जज को। वो कभी भी हाई कोर्ट की जज नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब तक ये केस कंप्लीट होता तब तक उनकी सर्विस खत्म हो जाती। इसलिए खूनी से एसपी को मारने का प्लान बनाया। एसपी को मारने के लिए 3 गोलियां चलाई गईं। लेकिन सारी गोलियां मिस हो गईं। वो नजदीक जाकर शूट करना चाह रहा था, तब तक पुलिस ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। वो पकड़ा गया है, जज ने ये देख लिया और तुरंत प्लान बदल दिया। मैडम, बैग ओपन करो। पैसा? मैडम, इतना सारा पैसा? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्यों मैडम? जो मैं बोलूंगी वो करोगे तो सिर्फ 4 दिन जेल में रहोगे, 2 साल बेल पे रहोगे और बाकी की जिंदगी सुकून में। जब बालकनी में एसपी शराब पी रहे थे उसी समय नौकर ने उनके पेट में चाकू ठोक दिया और उसी समय नौकर का हाथ कट गया। वही ब्लड हमें एसपी की बॉडी पर भी मिला था। उस दिन रात को वो जो हमें मिला था, उसे इस 6 साल पुराने केस के बारे में किसने बताया? उसे इस केस के बारे में कैसे पता चला? और उसे एसपी की मौत के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि जब उसे पकड़ा था तब एसपी तो जिंदा थे। यहीं से उस हुसैन ने जज को हेल्प करना शुरू कर दिया। उसको स्टेशन ले जाने के बाद जज ने हुसैन को कॉल करके एसपी सर के मरने की न्यूज बताई और विक्टिम को पुलिस स्टेशन में क्या बताना है वो हुसैन के जरिए बोल दिया। उसने हमें वही रिपीट कर दिया। उस दिन हॉस्पिटल में एसपी मर्डर की इंक्वायरी करने के बाद जब मैं वहां से गया तब उसको रियलाइज हुआ कि उससे गलती हुई है। जज को पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेंगे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो हॉस्पिटल से भागकर अंडरग्राउंड हो जाएगा। मैंने नासिक में जब उसको पकड़ा था तब ये सब पता चला था। ये सब हुसैन ने किया था, लेकिन करवाया था जज ने। तो फिर इस नौकर ने क्यों सुसाइड कर लिया? वो आत्महत्या नहीं थी सर, मर्डर था। हुसैन जज की इतनी हेल्प क्यों कर रहा है? हुसैन अगर पुलिस में है तो वो सिर्फ जज की वजह से। हुसैन की माँ जज के घर पर काम करती थी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, इसलिए जज ने हुसैन को पढ़ाया और पुलिस में नौकरी दिलाई। जज को अरेस्ट करने के लिए डीसीपी को बोलता हूँ। जी नहीं सर। ऐसा क्यों? उन्होंने ये सब पद के लिए नहीं किया सर, सिस्टम चेंज करने का मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए इसलिए किया। वजह जो भी हो, हैं तो खूनी ही। सच्चाई के लिए उन्होंने अपने पति को जान से मार दिया सर, इसके लिए वो ऑलरेडी सजा काट रही है। ये मर्डर हुआ तभी से वो शॉक में है, नाटक नहीं है सर, ये सच है। उनका सपना जज बनने का है सर, उसके जरिए वो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं सर। उनके बारे में बहुत इंक्वायरी की है सर, बहुत मेहनत से वो ऊपर आई हैं,
बहुत लोगों की आगे बढ़ने में हेल्प भी की है उन्होंने। आपकी बेटी का मेडिकल में 18th रैंक आया है ना सर? उसके बारे में क्यों पूछा? बट इस लड़की का 11th रैंक आया है। ये लड़की कौन है पता है आपको? 6 साल पहले एसपी ने जिस केस को डील किया था उस रेप केस में ये विक्टिम की बहन है सर। तभी से जज इस लड़की की देखभाल कर रही है और पढ़ा भी रही है। उनकी लाइफ में उन्होंने सिर्फ इसी की ही नहीं सर, बहुत लोगों की हेल्प की है। वो बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन है। फिर इस्तीफा क्यों दे रही है? खूनी को जज के पद पर नहीं रहना चाहिए इसलिए। फिर ये खून क्यों करवाया? जज का पद पाने के लिए ही ना? इसीलिए तो उस पद के लिए मना कर रही हूँ। मैं सजा भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप रिजाइन करेंगी तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसमें आप ही का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। मुझे अपने नुकसान की कोई फिक्र नहीं है ऑफिसर। हमें वही करना चाहिए जिसमें हमारे कानून की छवि खराब ना हो। आपने जो करने के लिए ये सब किया था अभी वो नहीं होगा तो मतलब क्या है? अगर हमें अपने सिस्टम को साफ रखना है तो न्याय का साथ देना चाहिए। बाद में समझ में आए, इसीलिए ये डिसीजन लिया। अपना रेजिग्नेशन का डिसीजन वापस ले लीजिए। फैसला लेने से पहले मैं सोचती हूँ और लेने के बाद उसका पालन करती हूँ। आपको हाई कोर्ट जज बनना है, ये आपके विश हो या ना हो, लेकिन एसपी सर की लास्ट विश थी। जी हाँ, उनकी वाइफ ही उन्हें मारेगी, ये उन्हें पता था। जब जोसेफ सर गुजर गए तब उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट की। हेलो सर, जोसेफ सर का एक्सीडेंट नहीं हुआ। फिर? हत्या हुई। व्हाट? हाँ सर, लेकिन ये हत्या करवाई गई थी सर। कौन कौन था वो? उसका इससे क्या मतलब? बताऊँ आपको, मेरी बात पर आप भरोसा नहीं करेंगे सर, लेकिन ये हत्या करवाई थी आपकी पत्नी प्रमोदा देवी ने। दो प्रमोदा। उन्हें पता चल गया था ये सब आपने ही किया है। अब आप उनको मरवाने वाली हैं, ये उन्हें पता था। उनकी वाइफ को जज का प्रोफेशन पसंद है ये पता था, लेकिन उनसे ज्यादा पसंद है ये नहीं पता था। बहुत दिन दुखी रहे वो, और तभी उनके माइंड में सुसाइड करने का थॉट आया। सच में उसके लिए मुझसे ज्यादा पद जरूरी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ही जरूर गलत समझ रहा हूं उसे। इससे पहले कि वो मुझे मार डाले मैं खुद ही मर जाता हूं। शिट, उसके लिए मुझसे ज्यादा पद जरूरी है, और मेरे लिए वो। इससे पहले कि वो मुझे मार दे अच्छा होगा मैं ही सुसाइड कर लूं। Ah!
एसपी सर खुद सुसाइड से मर गए तो उनकी वाइफ जज ही रहेंगी। अगर जज एसपी को जान से मारेंगी तो मीडिया के लिए 1 आवर आर्टिकल बन जाएंगे। जब महिलाओं के विकास की बात आती है तो आपका नाम एक उदाहरण होगा। आपको अरेस्ट करेंगे तो हमें प्रमोशंस और रिवॉर्ड्स सब मिलेगा, अगर छोड़ देंगे तो अपना काम ईमानदारी से करने का सेटिस्फेक्शन रहेगा। वो पद लेना है कि नहीं ये आपकी मर्जी है, लेकिन इस मर्जी के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। और जिनके पास किताब खरीदने के भी पैसे नहीं है वो लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करती हैं ताकि आपकी तरह हाई कोर्ट जज बने। उन लाखों औरतों के लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं। आप ये क्राइम कबूल करेंगी तो एक दिन की न्यूज बनेंगी, सब भूल जाएंगे, और सब भूल कर आगे बढ़ेंगी तो आपका दिया गया हर फैसला एक इतिहास बनेगा। ये हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो क्या जवाब देंगे? केस सॉल्व हो गया है सर। जज का नाम नहीं बताएंगे तो कैसे सॉल्व होगा? एसपी सर की मौत सुसाइड करने से हुई है। और वो चाकू का हमला? पैसों के लिए नौकर ने किया था सर, और उसने लॉकअप में ही सुसाइड कर लिया। जिसने गन से शूट किया है वो एक्सीडेंट में मर गया। जिसने जोसेफ को मारा वो जेल में सजा काट रहा है। हुसैन जज का आदमी है। ये पॉइजन बॉटल सुसाइड एविडेंस है। अगर आप अग्री हैं तो हम ये केस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं सर, बिना जज का नाम लिए और बिना सीबीआई की जांच के।